चिंपू चलो चलो दूध पी लो। खीर तो तुम लोगों को दादी के घर जाकर मिलेगी। ये दादी की खीर यम्मी। चिंपू इस बार जल्दी जाने की बात मत करना, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। दादी के हाथ का खाना इज बेस्ट खाना एवर। क्या चाहिए बेटा? दादी मेरी खीर कहाँ है? बेटा पता नहीं क्यों गांव की गायों ने पिछले कुछ हफ्तों से दूध देना ही बंद कर दिया है। क्या? हाँ बेटा, सभी गांव वाले परेशान हैं। ना जाने क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है। कोई बात नहीं दादी, चलो सिंपू गांव की ताजा हवा खा के आते हैं। काका राम राम। ये पिंटू यहीं कहीं होगा। अरे पिंटू तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे चिंपू भैया का बताए, चिंपू भैया किसी बदमाश ने मेरी निक्कर के अंदर खुजली का पाउडर मिला दिया है। अब तक तालाब में 10 डुबकी मार चुका हूँ, पर ये खुजली है कि जाती ही नहीं है। मेरे साथ चलो अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। जहाँ भी खुजली हो रही है इस गोबर को उस जगह पर लगा लो, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। वाह चिंपू भैया चमत्कार हो गया, खुजली बंद हो गई। आप तो हर चीज में मास्टर हो, हमारे गांव का आइंस्टाइन। एक बार पता चल जाए कि मेरी निक्कर में खुजली का पाउडर किसने डाला है उसकी तो फिर खैर नहीं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पिंटू अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस खेत में एक पुतला देखा था, पर अब वो गायब है। आपने कहीं और देखा होगा, सब खेतों में पुतले होते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। पर मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उस पुतले को यही देखा था। During the height of the corporate... इसका मतलब वो पुतला नहीं था, कोई आदमी वहाँ पर स्केयरक्रो बन के खड़ा था, कुछ तो चक्कर है। सिंपू हमारे लिए एक नया केस आया है, सिंपू तैयार हो जाओ। तुम्हें इतनी रात को तबेले के पास वाले खेत में क्यों जाना है? तुम चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपू मुझे इस जूते के निशान के पीछे लेके चलो। सही भैंस पानी में, इतनी रात को क्या करने वाले हो? मतलब वो पुतला चलकर यहाँ तक आया और स्कूटर पर बैठकर चला गया। गई भैंस पानी में, पुतला स्कूटर चला सकता है क्या? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ये जूते के निशान उस पुतले के ही हैं? किसी और के भी हो सकते हैं। खेत में कितने लोग आते जाते हैं? वो ही तो पता लगाना है, कल रात को यही मिलते हैं। चलो देखा तुम लोगों ने, पुतला वापस आ गया।
हाँ ये तो चमत्कार हो गया। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये है कौन। उस पुतले को सारे गायें भैंसों ने घेर रखा है। अरे वो देखो पुतला वहाँ से जा रहा है, चलो उसे पकड़ते हैं। पिंटू तुम घर जाओ, सिंपू चलो। कहाँ गया वो? दादी ने दूध लाने को कहा है, पर जानते हो सिंपू गांव में सिर्फ एक ही मिठाई की दुकान है जहाँ दूध मिलता है। हाँ हाँ पता है, आज उस पुतले को पकड़ के ही छोड़ेंगे हम। इतना दूध महंगा हो जाएगा तो कैसे चलेगा? गुलाब चंद ये तो सरासर नाइंसाफी है। इतना महंगा दूध कहाँ से लाए इतना पैसा? अरे भैया एक मिनट शांत हो जाओ। देखो भैया दूध महंगा तो है ही, लेना है तो लो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। अरे हरिया चल जल्दी जल्दी दूध दे इन सबको। हाँ ये तो सब गांव वालों को लूट रहा है। इस स्कूटर की आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने कल रात सुनी थी। मुझे लगता है इस सब गोलमाल के पीछे ये हलवाई ही है, हमें इसका भांडा फोड़ना होगा। खा लो गौ माता, ये दवा वाला चारा खाती रहो ताकि तुम कभी भी दूध नहीं दे पाओ। और मेरी दुकान ऐसे ही खूब चलती रहे, बस नोटों की बारिश होती रहे, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे का हो गया आप लोगों को, है पेट भरा हुआ है का? भगवान झूठ ना बुलाए, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा खा ले। अरे अरे हमारा पिछवाड़ा इतना क्यों खुजला रहा है? भगवान झूठ ना बुलाए, किसी ने हिलते डुलते देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रे अरे क्या हो रहा है, अरे क्यों खुजला रहा है पिछवाड़ा? हे भगवान ये क्या मुसीबत है? अरे अरे बचाओ। तुम इस पुतले के भेष में क्या कर रहे हो और ये सांड तुम्हें क्यों दौड़ा रहा है? मैं बताता हूँ, क्या आप सब जानते हो कि गांव की गायों ने दूध देना क्यों बंद कर दिया है? इस गुलाब चंद की वजह से। चिंपू बेटा ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जब हमने खेत में पुतले को स्कूटर पे भागते देखा तब हमने पता किया कि वो कोई पुतला नहीं गुलाब चंद ही है, जो गायों को दवाई वाला गंदा चारा खिला रहा है। उसके बाद हमने गुलाब चंद की स्कूटर पे खुजली वाला पाउडर लगाया, पुतले की ड्रेस पर लाल कपड़ा लगा दिया। उसके बाद हम पिंटू की मदद से इस बैल को तबेले में लेके आए। समझ गए हमारा प्लान? मान गया चिंपू, तुम आइंस्टाइन हो आइंस्टाइन। क्यों गुलाब चंद जी ऐसा ही हुआ था ना? भगवान झूठ ना बुलवाए, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखो देखो माफ कर दो, तुम्हारे बाप जैसा हूँ रे। देखो कान पकड़ता हूँ, ये लो पकड़ लिए, उठक बैठक करता हूँ। एक दो तीन, अब तो माफ कर दो। प्लीज प्लीज इस बार छोड़ दीजिए इन्हें, अगली बार कुछ गलत किया तो इन्हें पुलिस को सौंप देंगे। चिंपू ठीक कह रहा है, हर गुनहगार को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए और हमें चिंपू का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने अपनी होशियारी से इसकी चोरी पकड़ी।
ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए डब्बा भर के खीर बना दी है, मन भर के खा लेना। थैंक यू माय स्वीट एंड लविंग दादी। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम। सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। ये पकड़ लिया। अरे दिया, सिंपू कहाँ हो? रेड! क्या हुआ दिया? वहाँ रेड है। रेड से डर गई? चिंपू अब मैं चलती हूँ। बाय। बाय दिया। Strange but true, गांव में चूहों ने उत्पात मचा रखा है, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं। हाँ? सैकड़ों चूहों ने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। चूहों ने मानो इस गांव पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए। अरे ये तो तुम्हारी दादी का गांव है। चूहों ने तबाही मचा दी। भगवान! हाँ ये वही है। हाँ दादी को वहाँ से लेकर आना होगा, जल्द से जल्द। यस मॉम। सिंपू हरी, हमारे पास टाइम नहीं है। बाय चिंपू। सिंपू बाय मॉम। सिंपू चले दादी के घर। हाँ? अरे कोई बचाओ! कोई तो बचाओ! हे छोड़ो, जाओ यहाँ से। बाप रे, बच गया मैं। अब ठीक है ना? थैंक यू चिंपू बेटा। छोड़ो छोड़ो मेरी टी-शर्ट। इन चूहों ने तो बड़ा आतंक मचा रखा है, क्या करें सिंपू? क्या हुआ सिंपू? अरे चिंपू भैया, आज आइंस्टाइन को हमरी याद कैसे आ गई? न्यूज देख के दौड़ा चला आया। और ये क्या, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मुझे नहीं पता था कि तुम सलमान खान के इतने बड़े फैन हो। फैन? अरे यहाँ चूहों ने फैन तो क्या, टीवी भी नहीं छोड़ा है। ये देखो, सिर्फ एक चटनी छोड़ी है मेरे लिए। मतलब? अरे क्या बताए, चूहों ने मेरे सारे कपड़ों में छेद कर दिए, एक भी शर्ट या पैंट नहीं छोड़ी, इसीलिए इस बची कुची चड्डी में घूम रहा हूँ। हाँ हाँ हसलो हसलो, हमरी चड्डी पर भी हसलो। अब इज्जत बचाने के लिए बस अब यही एक बची है, बाकी इज्जत तो अब चूहे ले गए। डोंट वरी, चलो अब दादी के घर चलेंगे। बड़ी भूख लगी है। अरे चूहा हट हट। साहब की हालत ऐसी ही हो गई है चिंपू। हाँ पिंटू के पास उसकी चड्डी तो है, हमारे पड़ोसी धनीराम तो टॉवेल लपेटे घूम रहे हैं, कुछ नहीं बचा उनका। दोपहर में कुछ समय के लिए गांव में चूहे नहीं होते हैं, तभी मैं खाना पका पाऊंगी, तब मैं तुम्हारे लिए खीर भी बना दूंगी, ठीक है? श्योर दादी। वो देखो, ये सिर्फ चीज नहीं है। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे इस दूरबीन को चांद तारे देखने के लिए रखो, ये तो चूहों को मारने का पाउडर होगा, वो पंचायत ने मंगवाया था। पर पंचायत का गोदाम तो गांव के दूसरी तरफ है, ये बॉक्सेस तो कहीं और जा रहे हैं। अरे बाहर मत जा बेटा।
जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो कैसे कपड़े से ढका है, बॉक्सेस ढके हैं और हम खुले हैं। ये तो चीज है। अब तो इनका पीछा करना ही होगा। आओ आओ। आओ आओ। आओ। अरे भाई आप रोज इस चीज पर ये स्वीट मसाला क्यों डालते हैं? ये सिर्फ नाम का स्वीट मसाला है पर इसकी पावर बहुत ज्यादा है। पावर? ये कोई टॉनिक है क्या? अपने लिए तो नहीं पर चूहों के लिए। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है जिससे चूहे चार्ज अप हो जाते हैं, एकदम पावरफुल बन जाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त है फिर तो ये। हाँ, ये चूहे मेरे पालतू हैं। पता है इनको क्या पसंद है? चीज, और वो भी इस स्वीट मसाले के साथ। जैसे ही वो इसे खाते हैं सुपर एक्टिव बन जाते हैं, एकदम वायलेंट, और फिर जो मैं कहूँ वो काम कर देते हैं। काम? कैसा काम? इस गांव को तबाह करने का काम। ये गांव खत्म हो जाएगा, लोग यहाँ से भाग जाएंगे, घर टूट कर गिरेंगे, और तब इस बड़ी सी ओपन लैंड पर मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करूंगा। कैसे? मैंने कहा ना ये चूहे मेरे पालतू हैं, अभी दिखाता हूँ। देखो मेरे चूहों का कमाल। अरे वाह। हाँ। मेरी टांग, दर्द हो रहा है। अब चलो काम पे, चलो चलो जल्दी। मतलब ये रघु अपने पियानो पर अलग अलग ट्यून्स बजा के इन चूहों को म्यूजिक से कंट्रोल करता है। गजब है, पर ये सब खत्म कब होगा? मेरी चड्डी की वाट लगने के बाद। टेंशन मत ले, तू जाकर गांव वालों को बुला कर ला, तब तक मैं इस रघु भाई के म्यूजिकल ट्यून बजाता हूँ। सिंपू चल इनके बजाते हैं। अच्छा तो चूहों की तरह यहाँ छुपे हो, मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तेरी पोल खोल देता हूँ। ज्यादा मुंह खोला ना तो तुझे फोड़ दूंगा, समझा? क्यों, डर गए क्या? डर? और तुझसे? आ जाओ। बहुत मारा। ये क्या? अब तू गया काम से। आजा, आजा बच्चे। ये चूहे तो इस धुन को सुनकर वापस लौट रहे हैं। चलो देखते हैं। अरे ये तो चिंपू बेटा है। अरे मेरी टी-शर्ट। Oh,
चिंपू बेटा, ये सब कहाँ हो रहा है? बताता हूँ काका। हाँ? ये रघु और उसके गुंडों का किया कराया है, जो सब अंदर है। शाबाश, आज फिर से तुमने हमारी समस्या दूर कर दी बिटवा। हाँ भैया, चिंपू बिटवा तो बहुत ही होशियार है। काका, ये तो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन। मारो मारो इस रघु के बच्चे को। अरे रुकिए, मारो, छोड़ेंगे नहीं। ठहरिए, इसका इंसाफ पुलिस करेगी। वाह, कितनी बढ़िया खीर है। पिंटू, ये तुम्हारे लिए। मेरी है पर नहीं है, इसे तुम रख लो। थैंक यू दोस्त। पुलिस, ये हुई ना बात। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेफी टाइम।